बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुक्रवार से लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस लॉकडाउन में तय किए गए नियम एवं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इंद्री पुलिस ने आज शहर में निरीक्षण किया। शहर में नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इंद्री थाना प्रभारी सतपाल अपने दल बल के साथ इंद्री के प्रमुख बाजार में जांच पड़ताल के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर से गुजर रहे वाहनों की जांच की तथा बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ वाहन चालक मास्क होते हुए भी उसे मुंह पर नहीं लगाए हुए थे। पुलिस ने सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को नियमों की पालना करने की हिदायतें दी। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा तय किए गए नियम लोगों की हिफाजत के लिए लागू किए गए हैं, इसलिए इन नियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए घर पर रहें और नियमों की पालना करें। शहर में बिल्कुल लॉकडाउन की पूरी तरह कार्रवाई हो रही है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं अभी लॉकडाउन है, इसलिए बहुत ही जरूरी कोई किसी को अति आवश्यक काम है, कोई हॉस्पिटल से दवाई लेनी है कोई या कोई कहीं बाहर आना जाना है, सिर्फ केवल वही लोग आ रहे हैं। किंतु सारा बाजार बंद है और सभी लोग अपने घरों में 24 घंटे चेकिंग चलती है, 24 घंटे गश्त है। हमारी HHO की मोबाइल है, PCR है, राइडर है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, तो हम रात को भी सारी रात घूमते हैं और दिन में भी सारा दिन चक्कर लगाते हैं।